हम सब ये जानते हैं कि आज के इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी कितना जरूरी है, पर क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या योगदान होता है इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता ही क्या है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिसिटी में क्या योगदान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिसिर और आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स। तो पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो दरअसल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को उत्पन्न करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही प्रतिक्रिया करता है। अब यहाँ मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का, तो वो मैटर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन। और भी मैटर होते हैं जिनमें चार्जेज होते हैं, पर मेनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन होते हैं। फिर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करते हैं, तो इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। अब चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के। और जिस भी ऑब्जेक्ट का चार्ज जीरो होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। किसी चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI यूनिट कूलम्ब होता है, जिसे कि हम C से डिनोट करते हैं और इसका नाम फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम्ब के नाम पे पड़ा। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव से और प्रोटॉन को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इसे आप माइनस क्यू और प्लस क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक यूनिट चार्ज का वैल्यू 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और माइनस वन कूलम्ब चार्ज 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। यहाँ माइनस वन कूलम्ब इसलिए कहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू है, अगर प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू होता तो प्लस वन कूलम्ब होता। अब आपको एक चीज पता होगा कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है पर इंसुलेटर्स में नहीं। वो इसलिए क्योंकि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और इंसुलेटर्स में नहीं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है इसलिए हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, पर वो बाद में। पहले चार्ज के बारे में तीन खास चीज जान लेते हैं। पहला, चार्ज को कभी भी बनाया नहीं जा सकता या फिर उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे बस आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो ये है कि चार्ज का वैल्यू हमेशा इंटीजर्स के मल्टीपल में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिट चार्ज, दो यूनिट चार्ज, तीन यूनिट चार्ज एक्सेट्रा, या फिर माइनस एक यूनिट चार्ज, माइनस दो यूनिट चार्ज या माइनस तीन यूनिट चार्ज एक्सेट्रा। अब मैंने पहले ही आपको एक यूनिट चार्ज का वैल्यू बता दिया है, जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। अगर दो यूनिट चार्ज हो तो उसका वैल्यू होगा 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, माने उसका दो गुना। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। इसका मतलब अगर जो कोई दो चार्ज है, एक दो यूनिट का और दूसरा तीन यूनिट का, तो कुल मिलाकर पांच यूनिट का चार्ज होगा। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चार्जेस केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही सिर्फ नहीं होते, आयंस में भी होते हैं। अब ये क्या बला है? हर एक एटम का नेचर होता है स्टेबल होना। चलिए हम उतना डीप में नहीं जानेंगे कि एटम स्टेबल कैसे होता है। अगर आपको जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप बस इतना जानिए कि कुछ एटम स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो किसी एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इस तरह के एटम्स को आयंस कहते हैं। तो उन्हें कुछ इस तरह से लिखा जाता है, a⁻⁻ या a⁻ⁿ। अब यहाँ a फॉर एटम होता है और n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस का साइन लगता है, और अगर जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्लस का साइन लगता है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है। अगर उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा तो फिर उसमें एक चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर जो 10 प्रोटॉन था तो साथ ही साथ 10 इलेक्ट्रॉन भी था, पर अगर जो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो फिर उसमें एक नेगेटिव चार्ज जुट जाता है। वहीं अगर जो आप 10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा होता है इसलिए उस आयन को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और अगर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज का संख्या ज्यादा होता है इसलिए नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और कितना ज्यादा होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या
गेन पे डिपेंड करता है। अब आयंस का किस्सा यहीं तक समाप्त नहीं होता। आयंस दो प्रकार के हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। पर मोनो एटॉमिक में एक एटम का आयन होता है, जबकि पॉली एटॉमिक में मल्टीपल एटम्स के आयन हो सकते हैं। पर ओवरऑल जो किस्सा होता है वो वही इलेक्ट्रॉन गेन और लूज का होता है, मतलब कितना निगेटिव चार्ज है और कितना पॉजिटिव चार्ज है, या वो एटम या मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। आइए आपको एक फैक्ट की बात बता देता हूँ। माना जाता है कि ब्रह्मांड का नेट चार्ज न्यूट्रल होता है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड का। तो कोई भी चार्ज, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आप कहेंगे कि फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है सिर्फ डायरेक्शन का, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स कोई फिजिकल थिंग नहीं होता, या फिर कहें तो फ्लक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर हम फ्लक्स का यूज करके फील्ड के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से किसी में फ्लक्स नहीं होता, पर बस फील्ड को आसानी से समझने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको समझना भी जरूरी है। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का ओरिजिन नॉर्थ पोल से होता है और एंडिंग साउथ पोल में, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी ओरिजिन पॉजिटिव से होता है और एंडिंग निगेटिव में, मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव से आउटवर्ड और निगेटिव से इनवर्ड होता है। चूंकि मैग्नेट मोनोपोल होता है, यानी कि एक साइड नॉर्थ तो दूसरा साइड साउथ पोल, और दोनों जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए मोनोपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज में डाइपोल होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अलग अलग पोल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। पहला तो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और तब तक एक स्ट्रेट लाइन बना रहता है जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक लाइक चार्ज का फ्लक्स एक दूसरे को रिपेल करता है। यहाँ लाइक चार्ज से मेरा मतलब है, अगर दो फ्लक्स जो कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव से निकला होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करता है, चाहे वो अलग अलग चार्ज से ही निकला क्यों न हो। और इसी वजह से कोई दो लाइक चार्ज का फ्लक्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स निगेटिव चार्ज के फ्लक्स से इंटरसेक्ट करेगा, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते, बल्कि आपस में मर्ज हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अपने हर पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लक्स एमिट करता है और सोर्स के पास फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे चार्ज ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे फ्लक्स डेंसिटी कम होता चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। अब मैंने शुरू में बताया था कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है, तो वो कैसे ये जान लेते हैं। तो जब तक कोई चार्ज रुका हुआ है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही वह चार्ज मूव करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। और बात रहा एक्सपीरियंस करने का, तो अगर आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो वह मूव करने लगता है। तो अब आप कहेंगे कि क्या चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही जाने पे मूव करने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ऐसे भी मूव कर सकता है, उसको मूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत नहीं है। तो चार्ज के मूव करने से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है। दरअसल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब एक और बात है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी चार्ज से प्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव। तो आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर है सिर्फ डायरेक्शन का। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन कैसे फ्लो कर सकता है? तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दरअसल आप भूल रहे हैं कि मैंने आयंस की भी बात की थी। तो अब हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे चार्ज इंडक्शन के बारे में। अब दरअसल इंडक्शन बहुत तरह के होते हैं, चार्ज इंडक्शन, करंट इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इत्यादि। पर अभी हम चार्ज इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को बिना चार्ज ट्रांसफर किए चार्ज करना। अब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लाया जाता है, तो अगर चार्ज ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो दूसरे तरफ के निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इससे एक साइड में सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएगा और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब उस पॉजिटिव साइड को अगर हम अर्थिंग से कनेक्ट कर दें तो सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। कहने का मतलब ग्राउंड से निगेटिव चार्ज उठकर उन सारे पॉजिटिव चार्ज को भर देगा। अब हम अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे और उधर से उस चार्ज ऑब्जेक्ट को भी हटा देंगे, तो हम पाएंगे कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो गया है। तो इस तरह से हम चार्ज को इंड्यूस करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल
सवाल होगा कि अर्थिंग करने पे चार्ज नीचे क्यों चला जाएगा। तो दरअसल हमारा अर्थ हर तरह के चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, और उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। अब लास्ट में एक चीज जानेंगे कि करंट इंडक्शन क्या होता है। तो अगर किसी वायर के लूप में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज जाता है तो मूव करने लगता है। तो अगर उस वायर लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर उसके पास एक और क्लोज्ड वायर लूप को लाकर रख दें, तो उसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर का चार्ज मूव करने लगेगा। तो इस तरह से करंट इंड्यूस होता है। पर वहाँ लूप का ही क्यों यूज करते हैं, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।